हेलो गाइस, वेलकम टू फिजन ऑनलाइन स्टडी। आई एम युवराज मलिक एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सो गाइस, आज से हम पैडागोजी की वीडियो भी शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो है और हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस नंबर की वीडियो है और आपको सभी वीडियो देखना ज़रूरी है। तो ये पहली वीडियो है और इसी के साथ आपको 1 2 3 4 जितने भी मैं लेक्चर्स कराता हूँ वो बहुत ध्यान से देखने होंगे और समझना होगा कि पैडागोजी के क्वेश्चन करते समय सीटेट में हमारी सोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है बालक को हमें सर्वोपरि मानना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है और हमेशा पॉजिटिविटी देनी है। सो गाइज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कैसे टिक करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ सब चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में इजीली क्वेश्चन कर पाओ। क्वेश्चन पढ़ना और उसे अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड भी गलत या माइंड से स्लिप हो जाने पर हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो गाइस, शुरू कर रहे हैं वीडियो। और अगर आपका कोई ग्रुप है इससे रिलेटेड या कोई फ्रेंड सर्कल है तो आप उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को क्या सुधार करना चाहिए। तो बेसिकली शिक्षा में सुधार तब होगा, पहली बात तो क्लास पे डिपेंड करेगा। मान लो कि अगर क्लास में अनुशासन बहुत ज़्यादा हो गया तब भी शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी, वो बेपूर्ण हो जाएगी। इसलिए मुक्त अनुशासन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या उपकरणों ऑपरेटर्स का उपयोग करें तो इससे शिक्षण बहुत ही प्रभावी हो जाता है। तो शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करके भी शिक्षण सुधारा जा सकता है। रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो ऑब्वियस है कि शिक्षक के अकॉर्डिंग शिक्षा में सुधार आएगा। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बालक अच्छे आदर्श कैसे सीखता है। अनुकरण से, अभ्यास से, उचित व्यवहार से या याद रखने। क्योंकि वो बालक है तो अभी वो बहुत अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। उचित व्यवहार से, तो बालक के व्यवहार भी नहीं आदर्श सिखा पाते इतना ज़्यादा। याद रखने से भी वो नहीं सीख पाता क्योंकि वो बालक है तो उसकी माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ हो पाया कि उसे पता हो कि कौन सी चीज़ें याद रखने वाली है, किस चीज़ को समझ के पॉजिटिव लेना है। एक्चुअली बालक अच्छे आदर्श अनुकरण से सीखता है, जो बड़े लोग करते हैं उसी को वो कॉपी करता है और वही उसकी आदर्श, उसकी आदत बन जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए। शांत, शांत भी रखना ही चाहिए ऑब्वियस है। उल्लासपूर्ण में भी, भय मुक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, निरस्त तो होना ही नहीं चाहिए। तो भय मुक्त इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अगर एक टीचर का बच्चों को भय हो गया कि ये टीचर बहुत मारता है तो वो उससे कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली वातावरण भय मुक्त होना ही चाहिए, ये सबसे सही आंसर है इसका। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, यह वुडवर्ड का कथन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा बाह्य परिवर्तन नहीं है। तो हमें ये देखना है कि इसमें से बाह्य परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो मुख आकृति में परिवर्तन तो बाह्य परिवर्तन है, क्योंकि अगर हम मुख की आकृति में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो बाह्य है यानी भौतिक यानी शरीर का परिवर्तन है। भाव मुद्रा में परिवर्तन भी बाह्य परिवर्तन है। तो स्वर में परिवर्तन बाह्य परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। संवेगावस्था में कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है। संवेगावस्था मतलब जब हम किसी संवेग की अवस्था में होते हैं, हम भय में होते हैं, क्रोध में होते हैं, घृणा में होते हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्रोध बहुत आता है, उचित व्यवहार भी नहीं हो पाता। तो बेसिकली उचित व्यवहार शक्ति भी कम हो जाती है लेकिन सोचने और विचार करने की क्षमता या शक्ति तो समाप्त हो जाती है। यहाँ बात समाप्त की आ रही है, तो विचार करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है।
नेक्स्ट, संवेगों का संबंध होता है हमारी मूल प्रवृत्तियों से। मूल मतलब बेसिक, प्रवृत्ति मतलब हमारी नेचर। तो हमारा जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज़्यादा संबंधित होता है संवेग से। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्ति में नारसैगिक रूप में पाए जाने वाला संवेग मतलब नॉर्मल रूप से भय, क्रोध, आश्चर्य, उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। एमोवेयर किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एड्यूकेयर और इसके अलावा मोटिवेशनल का जो लैटिन नेम है वो आ जाता है, तो लैटिन नेम भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तेजित दशा में हमारा किस प्रकार का व्यवहार बदल जाता है? जब हम उत्तेजित अवस्था में होते हैं या फिर हम भय की अवस्था में होते हैं, मतलब कि उत्तेजित मतलब उत्तेजित होना, जैसे एक आश्चर्य होना या हमें एकदम से रैंडमली एक न्यूज़ मिल जाना और हम एकदम से एक्साइटेड हो जाएं, तो उस दिशा में चाहे हमारा बाह्य व्यवहार हो, हम एकदम से बहुत तेज तेज हंसने लग जाते हैं, हम कूदने लगते हैं, और हमारा जो आंतरिक व्यवहार है दोनों में ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। 11वां, प्रभावशाली शिक्षण के लिए एक शिक्षक को किस तरह का ज्ञान होना चाहिए? अगर हमें प्रभावशाली शिक्षण करना है तो एक शिक्षक को सभी तरह का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो पाठ्यक्रम संबंधी हो, चाहे वो शिक्षा शास्त्र संबंधी हो, चाहे वह पाठ्यक्रम संबंधी हो या अंतर्वस्तु यानी TLM संबंधी हो, या TLM का यूज़ कैसे करना है उसके संबंधित हो। अगर आप प्रभावशाली शिक्षण चाहते हैं तो हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक बालक को देखना चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन है थॉमसन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट कथन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड होते हैं जरूर आ जाते हैं, इनको पढ़ लिया करो। प्रेरणा की उत्पत्ति अर्जित का कारण है, तो प्रेरणा की उत्पत्ति होती है शायद रुचि से, है ना? तो इसका आंसर रुचि ही होगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर रुचि होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण कौन सा है? स्वाभाविक कारण संवेग है, क्योंकि संवेग हमारे स्वाभाविक होते हैं। ठीक है, हंसना, भय, क्रोध, ये सब क्या है? संवेग हैं जो कि स्वाभाविक होते हैं, इसलिए वही हमें प्रेरणा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा संवेग। तो ये 14 क्वेश्चन थे फर्स्ट जो मैंने आपको बताए हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन और मैं अगली सीरीज़ में लेकर आऊँगा। अगर आपको यही क्वेश्चन पसंद आए, इसको बताने का ढंग पसंद आया, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप, टॉपिक वाइज बढ़ाया जाए या इसे मिक्स में ही पढ़ाएं, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ाना थोड़ा सा बेसिकली मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसके क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। टैट सोचा है कि टैट के जो पिछले साल के प्रश्न हैं उसकी पेडोलॉजी के आंसर कैसे देने हैं ये समझाया जाए। सो, आप क्या एडवाइस करते हैं ये भी बताएं, साथ में वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। सभी इस वीडियो को देखें और प्लीज़ अगर 1% भी आपको लाभ मिला है तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर और लोगों को टैट में शायद नंबर दिलवा दे। सो गाइज, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।